तो हम लोग उन्हें बुलाए, बोले कि जो जो बाप्पा श्री का लाइन है और साथ साथ और कोरस लाइन है, सब मिलके गाएंगे। सब पहुंच गए, बहुत जोश में आ गए, करते हैं। एक पहले आए मनमीत, हमारे फिराची दोस्त, पंजाबी दोस्त। तो बोले मनमीत मराठी, शुद्ध मराठी है? हाँ सर, मेरा बॉम्बे में ही जन्म हुआ है, असी चंदा करांगा ना। वो आ गए। फिर दो और आए, शहजान और मुस्तफा। तो आ जाए दादा, गणपति का गाना एकदम जोरदार करेंगे। फिर एक हमारे कलकत्ता के बंगाली जो यहाँ मौजूद है मेरे साथ, स्निग्धजी है ना, तू मार गया। बाद में अचानक हमें पता चला एक और अनिश मैथ्यू हमारे, ये क्या हो गया, मराठी गाने में एक भी महाराष्ट्र नहीं है, सब अलग अलग प्रांत के। लेकिन ये भी कमाल हो गया कि सब मिलके जोरदार बहुत अच्छा बाप्पा का गाना गाया। और तो यही पावर है गणपति जी का ही, कि वो ही ऐसे सब चीजें करते गए, अलग अलग चमत्कार करते गए, कि सबको एक साथ करके मराठी गाना करना, इतने सारे ढोल पटक, सबको एक डेट पे एक शॉट पे सबको बुलाना। लाइव रिकॉर्डिंग का यही प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है, चार लोगों को एक साथ एक डेट देना मुश्किल हो जाता है आजकल। आप भी सब आ गए देखिए शॉर्ट नोटिस में, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा इस गाने के साथ। आता मैं माइक कोणाला देतो, नाही तर मी बोलती राहतो। तुम्हाला आणखी काहीतरी प्रश्न आहे का? बघा बिंदास, आमचं भाऊ अकेलेही एवढा खाना नाही, राहू द्या। थँक्यू। आणखी काय आता? अरे आमचं गणेशजी, अच्छा 1 to 1 करायचे। थैंक यू सो मच। आवड़ लगा तुम्हारा गीत? हर जगह आप चलाएंगे ना गाने को, और खुद चला कर नाचेंगे श्योरली। चलिए, थैंक यू। सर, नया गाना लेकर आ रहे हैं आप, तो गाने के बारे में थोड़ा बताइए। गणेश पे गणपति का सीजन आने वाला है। जी। कैसा लग रहा है? गाने का नाम है माझा बाप्पा श्री, और गाने में पूरा जोश और जो एक गणपति जी खुशी का एक एकदम बाढ़ लेकर आते हैं ना, खुशी का बाढ़, नहीं कुछ गलत जगह चले गए। हाँ, तो उसमें जो एक शक्ति होती है, जो इसमें एक जो एक जोश गाने में वो फील है गाने में, क्योंकि बहुत सारे ढोलीज है गाने में एक साथ लाइव उन्होंने रिकॉर्ड किया है। और ये सब हो पाया क्योंकि गणेश खुद एक बहुत ही बम्बई के एक बड़े नामचीन ढोली है, उनका अपना ग्रुप है, अपना पथक है, तो उनकी अच्छी दोस्ती है सबके साथ। तो उनके एक कहने पर सब आ गए और हम लोग लाइव सब ढोल रिकॉर्ड किए। साथ साथ जब लिरिक्स की बात चल रही है, जहाँ शशांक, बहुत सारे गणपति जी के गाने तो बहुत सारे हुए हैं और होते रहेंगे, लेकिन पहली बार मुझे लगता है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दे पर शशांक ने हम सबका नज़र डाला है। कि ये पूरा जो मुहिम शुरू हुआ था, लोकमान्य तिलक जी ने शुरू किया था, कि जहाँ हम गणपति जी के बहाने सब साथ में आएंगे और सब प्यार बांटेंगे, और जो भी उस टाइम का जो भी सिचुएशन है उससे मिलकर जूझेंगे। जैसे उस टाइम पे तो अपना फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, लेकिन अभी भी कुछ भी होता है तो उसके ज़रिए एक आर्थिक सहायता होता है, चैरिटी होता है। गणेश जी के नाम पे अलग अलग मंडल इसलिए बने थे। तो अब ऐसा ना हो जाए कि वो उसका कमर्शियल हम कुछ महत्व निकाले, गेन निकाले, पॉलिटिकल गेन निकाले, और भगवान के नाम पर कुछ ऐसा करे जो भगवान जी को खुद पसंद ना हो। तो उस पर कुछ उन्होंने जो लाइन्स लिखे हैं कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो पहली बार शायद इस तरह से मतलब जोश में ही आया। ऐसे नहीं कि अचानक हम रुक के एकदम कोई प्रवचन देना शुरू कर दिए, तो जोश में ही बहुत अच्छे शब्द डाले हैं उन्होंने। तो और मुझे लगता है कि इतना ये जो हमारा कॉम्पैक्ट टीम है तीनों का, क्योंकि पहली बार मैंने किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया है खुद, क्योंकि ये मेरे अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल में पहला गाना होगा, जो मेरे अपने यूट्यूब चैनल में सिंगर शान का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर ये पहला गाना श्री गणेश कर रहे हैं हम, गणेश जी के इस गाने के साथ। तो ना कोई म्यूज़िक कंपनी है, ना कोई प्रोड्यूसर है, सब हम लोग ही हैं। और डायरेक्टर दोनों हैं यहाँ, म्यूज़िक डायरेक्टर, वीडियो डायरेक्टर, प्लस पूरा जो इंजीनियरिंग, पूरा सारा बागडोर दोनों ने ही संभाल लिया है। और तो बहुत मज़ा आ गया है कि इतने छोटे टीम में एक बहुत बड़ा काम हो गया। जी, बिल्कुल। ये बहुत सालों से मेरा ये सपना था, जो इस बार मैं चाहता हूँ। अभी तो ये साल, अगले साल, दर साल लग रहा है गाना ऐसा बना है कि लोग ज़रूर सुनेंगे और देखेंगे, एंजॉय करेंगे। और बाकी आप गणेश जी को बताएंगे, बाकी गणेश आपको बताएंगे कि इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे हो पाया। तो शुरुआत की थी हमने कुछ 5 तारीख को जब गाना लिख के आया था हमारे पास, फिर हम लोगों ने कंपोज किया और सब कुछ हुआ। 10 को रिकॉर्डिंग हुई और इतने शॉर्ट नोटिस पीरियड पे कोई आता नहीं है, बट सब जन इतने जल्दी रेडी हो गए और बोले कि चलो करते हैं, गणपति का गाना है तो करना है। इस हिसाब से सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट किया। 10 तारीख को रिकॉर्डिंग हुई, 11 को पूरा 10 से 11 पूरे 12 से 13 घंटे रिकॉर्डिंग चली सिर्फ रिदम की। उसके बाद 12 को शूट हुआ, 12-13 में शूट हुआ जो वीडियो शूट था। मतलब सारे चीज़ें अपने आप प्लान होती गई, जैसे बड़े बड़े गणपति के शूट आगमन जो थे वो 11-12 में ही थे, तो वो हो गया। उसके बाद एक 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 हाँ चेन बंदी चली गई। उसके बाद एडिट के लिए आए, एडिट के लिए जो भी गणपति जी के जो भी आप देख रहे हैं ना मूर्ति सब इस साल के हैं। हाँ, जो भी है पुराने काट के किया गया है, जो भी है इस साल के है। जितने भी आप गणपति के आगमन में जो आपको फुटेज में दिखेंगे सारे इस साल के हैं और वो सब कुछ संभाला है। उसके बाद का एडिट शशांक ने, जो कि अपने लिरिक्स राइटर हैं, और शशांक ने ही उसको मतलब आगाज और अंजाम, ताकि जो चीज़ था कि मतलब लिरिक्स का मतलब क्या होता है वो अगर वीडियो एडिटर तक पहुंचा नहीं है तो फिर मतलब नहीं है। गाना कहीं और चल रहा है और वीडियो कहीं और चल रहा है, बट शशांक ने जो पूरा किया वो मतलब हेड्स ऑफ। इतना शॉर्ट नोटिस में, बहुत शॉर्ट नोटिस पे मतलब अब तक छूटा नहीं उसका। हाँ, मीडिया में काम करता है, अब तक उसने बॉस ने बोला ये क्या है। हाँ, नौकरी भी किया सुबह और रात भर वीडियो एडिटिंग किया। ऐसा गाना जरा नहीं, शान सर को चूज़ करना मतलब हमारा ये चीज़ था कि अभी गणपति में उनको गाना करना था और हमें यूट्यूब चैनल लॉन्च करना था। उसके लिए पहला गाना कौन सा है ये चीज़ था। अभी शान सर के तो बहुत से गाने आए हुए हैं, उसका रीमेक करना है तो बोले यार रीमेक तो क्या मतलब नहीं होगा, बट शुरुआत करनी है तो कहाँ से करें, तो बोले श्री गणेश करते, गणपति का गाना करते। तो ये चीज़ कहीं प्लान में थी नहीं, दिमाग में कभी आया नहीं था वैसी बात। ऐसा लग रहा है कि ये चमत्कार ही हुआ है। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि इतने शॉर्ट टाइम में इतना सब कुछ होना ये संभव ही नहीं है। वो भी बारिश के बीच में इतनी सारी मतलब कभी अभी शो से बाहर हूँ, गणेश के भी दूसरे, क्योंकि अभी कल भी सुबह 11 बजे से बारिश में भीग भीग के रात के 11 बजे तक ढोल बजा रहे थे, वो अपना लेजेंड ढोल। तो उस बीच में इनका भी मतलब ही इज़ वेरी सीनियर पोस्ट इन मीडिया, तो उस बीच में भी ये अभी उन लोग ये पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। शशांक का बता दिया ना, बता दिया। तो ये होना था, बप्पा का आशीर्वाद है हमारे साथ, ऐसा लग रहा है जी। नहीं, रिस्पांस जो भी हो, एक अच्छी शुरुआत हुई है। एक बहुत ही मतलब भक्ति भावना कहे या फिर एक शक्ति भावना कहे, एक बहुत, मुझे लगता है कि ये शुरुआत तो हम कुछ भी कर सकते थे टिपिकल रोमांटिक गाने से, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक अच्छे स्तर पे शुरुआत हुई है। तो इसके बाद सब अच्छी चीज़ें ही होंगी। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी तैयार हैं, जिनसे मुझे लग रहा था कि मैं पहले उससे शुरू करूं, लेकिन अचानक से ये हो गया कि नहीं, हम श्री गणेश करेंगे तो गणपति जी के गाने से ही। और फिर अचानक याद आया कि गणपति जी तो बस आने ही वाले हैं, तो जल्दी करो करके हो गया। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि कोरस में जो भी सारे नॉन महाराष्ट्रियंस हैं, जी उनके साथ कैसा? काफ़ी कॉमेडी है हुआ, एक लाइन भी अगर हो, लेकिन उसमें जैसे लाइक मेकिंग वीडियो आएगा तो उसमें क्या हो गया हो। उसमें उनका लाइन था ना, जो लाइन का वो सुखाचा श्रृंगार, हाँ जणू सुखाचा श्रृंगार, हाँ न और न में जो डिफरेंस रहता है वो। तो पहले तो जणू पहले में ही फंस गए, फिर सुखाचा शिनगार घडवीला, उस पर बाप रे एक लाइन में काफी मेहनत हुई उसमें। तुम्ही म्हणा जणू सुखाचा शिनगार घडवीला, ट्राय जणू तो बोलिए, जणू सुखाचा यही चला, बट बहुत अच्छा किया फाइनली। अभी हम लोग इसको हम हिंदी में भी बनाएंगे, हाँ, लेकिन पहले तो हाँ रीमेक में हिंदी तो जरूर करेंगे, लेकिन पहले जो ऑथेंटिक चीज़ है वो ऑथेंटिक तरीके से करेंगे, फिर उसके बाद हिंदी में भी ज़रूर करेंगे। हिंदी में भी ऑथेंटिक ही रखेंगे, ऑथेंटिक हिंदी में, ये तो ऑथेंटिक मराठी में हुआ। लेकिन यही था कि अगर मराठी कर ही रहे तो स्पष्टपणे मराठी करो, या ऐसा ना का वो बहाना ले कि अरे हमें हिंदी मराठी नहीं आती है तो सुखाचा जिनगार कर लूँ, ऐसा नहीं, सुखाचा शिनगार घडविला म्हणा। डिफिकल्ट मतलब मेरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब जो ऑफिस है मेरा, ऑफिस ने बहुत सपोर्ट किया। उनको मैंने पहले दिन से बताया था कि सर मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, शानदार के साथ काम कर रहा हूँ, तो उनको एक्साइटमेंट था कि चलो अपना बच्चा अच्छी जगह पे काम कर रहा है। ये पहली उनकी ये थी प्रतिक्रिया थी। देन फिर हम लोगों का डिसीजन हुआ कि गाना करना है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि गाने के वर्जन बहुत बने, मतलब 3-4 वर्जन बनाने के बाद उसको एक कंपाइल करके एक गाना बना बेसिकली। तो वो गाना बनने के बाद फिर आगे की प्रोसेस थी कि सब गाना कैसे गवाए। तो 10 तारीख को रिकॉर्डिंग हुआ, सब बाकी की चीज़ें हो गई। तो मतलब एक ये इट्स अ टीम वर्क बेसिकली कि सिर्फ एक ही बंदा, हाँ इट्स अ टीम वर्क जी 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 जी। शानदार ने बहुत भरोसा देखा, मतलब उन्होंने, मुझे लगता है कल ही उन्होंने फाइनल प्रोडक्ट देखा है, कल रात को देखा उन्होंने, तब तक उनको मालूम भी नहीं था कि फाइनल वीडियो में क्या होने वाला है या क्या है। प्रॉपर वीडियो आज ही देखा, सॉरी फोन में, हाँ मतलब फोन पे इतना, मतलब 11th आवर में काम हुआ, मगर काम बहुत क्वालिटी, आपने तो अभी देखा ही है कि कैसा काम हुआ है। सब एक बापा की कृपा थी तो उस वजह से ही सब ये मैनेज हो सका, सभी चीज़ें मैनेज हो सकी। 11th आवर में वीडियो एडिटिंग, अभी आपको मालूम होगा मीडिया में आप काम करते हो, तो वीडियो एडिटिंग स्टूडियो और ये जो चीज़ें हैं वो चिराग कंसारा ये बंदे हैं, उनको 11th आवर में 12 बजे मैंने फ़ोन किया था कि सर ऐसा ऐसा है, हमें काम करना है तो मिलेगा क्या। तो उन्होंने बोला कि कभी अभी आ रहा है क्या, तो उन्होंने भी मतलब जितने जितने लोग बनते मिले उन्होंने सब ने मदद की। तो उस वजह से ये गाने जो कंट्रीब्यूट है वो सबका है, ये इट्स अ टीम वर्क। हाँ मतलब तने गजर जिन्होंने मिक्स किया है, मास्टर किया है, उनका मतलब बहुत बड़ी, आज का सबसे बड़ी फिल्म का काम चल रहा था। वो बोला नहीं यार पापा का गाना चल रहा है, मैं उनसे थोड़ा सा परमिशन लेता हूँ और ये मैं मिक्स और मास्टर कर देता हूँ। तो बहुत बहुत लोगों की बहुत कृपा मदद मिली, तब जाके हुआ। माझा बाप्पा श्री, माझा बाप्पा श्री, माझा बाप्पा श्री मंगल मोरया श्री, माझा बाप्पा श्री, माझा बाप्पा श्री, माझा बाप्पा श्री मंगल मोरया श्री।